वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, 8 पैर हुंदे ने 24 घंटियां विच, जिन्हां विचों 4 पैर दिन दे हुंदे ने अते 4 रात दे। 3-3 घंटियां दा एक पैर मन्निया गया। इत्थे रात दे पहले पैर बारे दस्या गया। पहला पैर हुंदा है रात दा 6 तों 9 वजे तक दा। जो इस पहले पैर नूं 6 तों 9 वजे तक दे समय विच रहिरा साहिब जी दा पाठ करदे ने, वह बड़े किस्मत वाले मन्ने जांदे ने। बहुत सारे साडे वीर भैणां शाम नूं गुरद्वारा साहिब जांदे ने, पर अमृत वेले उन्हां विचों कुछ ही उठदे ने जो अमृत वेले दी संभाल करदे ने, जो रात दा पहला पैर ते चौथा पैर संभाल लैंदे ने। फिर उन्हां दी कीती सेवा दा फल उन्हां नूं जरूर मिलदा है, पर जो अमृत वेले नहीं उठदे उन्हां दी सेवा दा फल भी फिर उन्ना कोई मिलता है। ये फल अमृत वेले उठन वालों ही नसीब होंदा है। जो सुते रहिंदे ने उन्हां नूं इस फल की प्राप्ति नहीं होंदी। सवेरे 3 तों 6 वजे का समा सौण लई नहीं होंदा। इस समय रब का लिया नाम, रब की कीती भगती किसे लेखे लगती है। गुरबाणी विच इन्हां दो पैरां नूं जरूर संभालण लई कहा है। इसलिए गुरु प्यारे, 6 तों 9 वजे तक का पहला पैर ते 3 तों 6 वजे तक का चौथा पैर जरूर गुरु की गुरबाणी में लाओ। तुहाडा आने वाला जिन्ना भी मुश्किल समा होएगा वो गुरु टाल देवेगा। तुहाडी बाँह गुरु के हाथ होएगी। तुहाडे ते आने वाले दुख कलेश संकट आने तो पहला ही खत्म हो जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।